पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल इस बार प्रदेश में धान की बंपर खरीद हुई। लगभग एक महीने के बाद पंजाब की विभिन्न मंडियों में धान की खरीद 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। शनिवार शाम तक 105 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की आमद हुई, जबकि शुक्रवार शाम तक मंडियों में 98,53,000 मीट्रिक टन धान आ चुका था। वहीं खरीद के बाद किसानों के खाते में तकरीबन 15,400 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, साथ ही 2,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के अंतिम सप्ताह तक लगभग 190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होने की उम्मीद है। अनाज मंडियों में धान की आवक अक्टूबर के पहले सप्ताह में निष्क्रिय नोट पर शुरू हुई, क्योंकि सितंबर के अंतिम सप्ताह में बारिश के कारण कटाई में देरी हुई थी, लेकिन 15 अक्टूबर के आसपास इसने गति पकड़ ली और दिवाली के बाद अधिक अनाज की मंडियों में आवक हुई है। वहीं इस समय मंडियों में प्रतिदिन औसतन 7 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो रही है। राज्य के खाद्य और नागरिक सप्लाई विभाग के अनुसार 15 नवंबर तक खरीद में तेजी रहने की उम्मीद है, उसके बाद ये धीमा हो जाएगा और उस समय तक खरीदे गए धान का आंकड़ा 190 लाख मीट्रिक टन के अपने लक्ष्य के करीब पहुँचने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि खरीद की शुरुआत में राज्य के चावल मिल मालिकों ने फसल में नमी की मात्रा 17% अनुमेय सीमा से अधिक होने पर आपत्ति जताई थी। यदि नमी की मात्रा अधिक है तो चावल मिल मालिकों को कस्टम मिलिंग के बाद धान से 67% चावल प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया। शनिवार शाम तक मंडियों में 105 लाख 53 हजार मीट्रिक टन फसल आ चुकी थी, जिसमें से 103 लाख 23 हजार मीट्रिक टन 97.83% की दर से खरीदी गई थी। जहां मंडियों में 80 लाख 33 हजार मीट्रिक टन अनाज उठाया गया है, वहीं 22.19% अनाज मंडियों में अभी लिया जाना बाकी है। वहीं कुछ देर पहले मिली जानकारी के मुताबिक पराली जलाने के ताजा 1761 केस भी पंजाब में सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।